बेटी शाम को देर से आती है तो हर माँ बाप पूछते कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसको मिली थी, फोन पे बात करते माँ देखते ए बात बंद करो, किससे बात करती, किससे बात करती। अरे बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को तो पूछो कहाँ गए थे। बहुत यंग लोग मुझे यहां पर दिख रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। काफी परिश्रम करना पड़ा था आपको अपने शुरुआती दिनों में? सर परिश्रम तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही जरूरी था, अगर मुझे सब कुछ घर वाले दे देते कि चल तुझे हम लेके जाते हैं स्टेडियम में छोड़ देते हैं और तू थोड़ी ट्रेनिंग कर और वापस आ जा, तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे खा के सो जा, तो अगर वो सारी चीज मिल जाती है शायद मैं मेहनत ही नहीं करता। तो वो दिक्कत थी जो सर वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही जरूरी होती है, अगर हमको सब कुछ मिलता रहे तो वो एक हमारे अंदर भूख नहीं रहती है कुछ करने की। किसी भी बोझ के कारण तू यूं आंखें नम ना कर, किसी भी बोझ के कारण तू यूं आंखें नम ना कर, इस IIT नीट जैसे छोटे एग्जाम के लिए तू जिंदगी खत्म ना कर। वो जल्दी बड़ा होने के बोझ के नीचे बड़ा होता है, दिल उसका भी 300 ग्राम का ही होता है, पर मर्द होने की इकलौती शर्त यही है कि सच्चा हो। लड़का और लड़की में फर्क बहुत है और एक फर्क खूबसूरत है, ये मैं जानता हूं, पर फर्क करने को सबसे बड़ा गुनाह मानता हूं। शायद इसीलिए अपने बेटे से कहता हूं कि जरूरी नहीं उनके लिए कुर्सी खींचना या गाड़ी का दरवाजा खोलना, पर जब कुछ गलत हो सबसे पहले बोलना, क्योंकि सिक्स पैक से नहीं बनते हैं मर्द, ना ज्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने से, ना आंसू छुपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। तू चाहे कारपेट पे सोए चाहे रेड कारपेट पे चले, लेट मी टेल यू आर द मोस्ट पावरफुल एज लॉन्ग एज देयर लिव्स अ जेंटलमैन इन यू।